सारो यदन्ने नादिरो भदे तावान जमाइमारो जायां जबुर्गाहां आरंजन्वा भूदानिद्रपाद व्याप्रतं ूतानि च अजायन्त जयकेजो भयादतः गावो हजति रेतमात्मज्ञाता अजावयः दञ्जयम्बरहि मादाय पार्वती देवे पिता देवो महेश्वरा बान्धवा शिवभक्ता सरस्वती भुवनत्रयौ जय हो बाबा सबसे प्रमुख बात है खप्पर से ही अपने आप में विदित हो जाता है कि खप्पर से अभिप्राय भगवान शिव का है। तो शिवरात्रि पश्चात इसलिए रखा जाता है क्योंकि शिवरात्रि हमारे यहाँ जागरण की रात्रि है और रात्रि पर भगवान शिव जागते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जब भगवान शंकर पूरी रात्रि जागते हैं तो सुबह जब प्रातःकालीन होती है तो वो भिक्षा के लिए निकलते हैं, भिक्षा लेने के लिए। सबसे प्रमुख बात है इसमें भिक्षा में और भीख में आप अंतर समझिए कि भीख कोई भिखारी लेता है पेट भरने के लिए, लेकिन भिक्षा कोई संत लेता है आपके घर के द्वार पर आकर के आपके घर पर कल्याण करने के लिए। तो जब भगवान शंकर आपके घर के द्वार पर आते हैं और वह भिक्षा के स्वरूप में भिक्षा पात्र अपना खप्पर सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप उसमें भेंट डालते हैं तो वह खप्पर में डाला हुआ भेंट आपको दुगना तिगना नहीं बल्कि 100 गुना आपको प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई धन नहीं है, कोई वस्तु दूसरी नहीं है, अभी केवल अन्नदान सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। तो उसको जब हम लोग भरते हैं तो हमारे घर धन और धान्य से भरा रहता है। यह है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे जितने भी इस खप्पर पूजन में जो हमारे पितर लोग हैं, वह पितर लोग जब हम एक जगह पर संयुक्त होकर के मंदिर में खप्पर पूजन करते हैं तो सबसे प्रमुख बात है कि DNA टू DNA एक क्योंकि वंशानुगत पितरों के को भी प्राप्त होता है और वह पितर भगवान शंकर के चरणों की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो खप्पर पूजन हमेशा अमावस्या को रखा जाता है क्योंकि अमावस्या पितरों की तिथि है। तो पितरों की तिथि होने के कारण से वह एक प्रकार से पितरों को भी तृप्त करने वाली होती है और भगवान शंकर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है। इसीलिए हम सब लोग शिव खप्पर पूजा हम लोग शिवरात्रि के 14 के पश्चात अमावस्या पर करते हैं। आगरा में भगवान शिव का सबसे प्राचीन स्थल मनकामेश्वर मठ और इस मठ में आस्था रखने वाली पूरी आगरा की जनता इस आयोजन के माध्यम से भगवान शिव में अपनी आस्था को दिखाने आस्था की अभिव्यक्ति का ये बड़ा अवसर है। नहीं मेरा ये प्रथम बार आना हुआ है और मैं इसके लिए महंत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। और मेरा ये मानना है कि शहर में जितनी भी विघ्न बाधाएं भगवान शिव आदिशंकर देवों के देव महादेव के इस खप्पर पूजन के कार्यक्रम के माध्यम से जैसा महंत जी बता रहे थे कि हमारे पितरों को जब तृप्ति मिलती है मुक्ति मिलती है मोक्ष मिलता है तो शहर में भी शांति। खप्पर पूजन जितनी मेरी आयु है उतना बार मेरे परिवार में होता है, हमारे यहाँ भी होता है खप्पर पूजन और मैं समझता हूँ जितने सनातन पुत्र हैं पुत्रियाँ हैं सबके घर में खप्पर पूजन का कार्यक्रम होता है। अमावस्या के दिन होता है क्योंकि भोला चौदस के दिन शिवरात्रि होती है और उसके अगले दिन खप्पर पूजन का कार्यक्रम होता है। तो कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है और जितने भोले बाबा आते हैं उनको प्रसाद के रूप में उच्चा के रूप में तो कड़ी चावल लोटी कच्ची रसोई बनती है और जितने भोले आते हैं भिक्षा के रूप में उनको वो प्रसाद दिया जाता है।